बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं वो है बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा जो है बाइनरी वेरिएबल के दरमियान वो काम करता है। तो बुलियन अलजेब्रा के जो बेसिक पोस्टुलेट्स और जो बेसिक लॉस है उस पर जाने से पहले हम देखेंगे कि बाइनरी नंबर और बाइनरी वेरिएबल किसे कहते हैं। बाइनरी नंबर जो होता है बाई हम समझ सकते हैं कि बाई का मतलब ही टू होता है। तो दो नंबर, तो यहाँ पर हम दो नंबर को ज़ीरो और वन हम समझेंगे, ज़ीरो और वन ही रहेगा, जिसे बाइनरी कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी लैंग्वेज। अब हम देखेंगे कि बाइनरी वेरिएबल किसे कहते हैं। तो बाइनरी वेरिएबल मीन्स ए से लेकर के जेड तक एनी वेरिएबल, कौन सा भी वेरिएबल आप प्रेफर कर सकते हैं, वो एक वेरिएबल जो है वो दोनों के ऊपर स्टैंड करता है, ज़ीरो और वन दो भी वो हो सकता है। ए जो है वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है या वन भी हो सकता है, वो डिपेंड किया जाएगा कि आगे चल के हम देखेंगे कि जब मिन टर्म और मैक्सटर्म हम जब स्टडी करेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम जब हम स्टडी करेंगे, इससे ए से मुराद हम क्या लेंगे, ज़ीरो लेंगे मुराद या वन लेंगे मुराद, वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। अभी फिलवक्त हम इससे हम यही समझेंगे कि इससे माने दो भी है, ज़ीरो और वन। आइए अब इसका हम आगाज़ करते हैं। बेसिक लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन बेस एंड फंक्शन आप देख लें। फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइनरी नंबर का सेट है एक, जो है 0001101, ये मेरे पास बाइनरी नंबर की गुंजाइश पॉसिबिलिटीज़ है, इससे ज़्यादा मेरे पास और गुंजाइश नहीं है। अगर ये 2-bit बाइनरी नंबर है, अगर मेरे पास 3-bit बाइनरी नंबर होगा तो उसकी सीक्वेंस अलग आएगी, 0000001 1010011, इस तरह से करके पूरा आखिरी तक जो है 111 आपको बनेगा, 3 0 से 3-1 तक आप जाएंगे। ये जो है 3-bit बाइनरी नंबर आप कहेंगे, पर इसे आप जो है 2-bit बाइनरी नंबर कहेंगे, 2-bit। तो इसमें 0001101, अब मैं इसके दरमियान जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं एंड फंक्शन को मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है सो मैं एंड अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जैसा कि एंड ऑपरेशन। एंड जो है वो मल्टीप्लाई की निशानी है, यानी वो मल्टीप्लाई करेगा दोनों इनपुट्स के दरमियान। अब हम देखेंगे कि इसको आउटपुट क्या आएगा। अगर मेरे पास दोनों इनपुट 0-0 रहे, दोनों जो है वैल्यू जो है 0-0 रहे, तो 0-0 जा ज़ाहिर सी बात 0 होगा, और 0-1 जा ये भी 0 बनेगा, 1-0 जा ये भी 0 बनेगा, और 1-1 जा ये अब ये 1 बनेगा, 1-1 जा 1 होगा। तो ये 2-bit बाइनरी इन्फॉर्मेशन के दरमियान हम मल्टीप्लाई करें। उसी तरह से आप जो है आप 3-bit के अंदर दरमियान भी आप कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो इसके आपको पूरों के वैल्यूज आपको 0000 आएंगे, सिर्फ आपको आखिर का वैल्यू 1 आएगा जिसमें 111 हो। तो एंड गेट के अंदर अगर आपके पास पूरे इनपुट जो है 1 रहे, उसी सूरत में आपको आउटपुट 1 आएगा, वरना आपको आउटपुट जो है 0 ही आएगा। अब आइए, ये तो हो गया एंड के बारे में। अब हम देखते हैं और के बारे में। अगर मेरे पास उसी तरह से दो नंबर है 0001 1011, अब मैं इनके दरमियान जो है मैं ऐड करना चाहता हूँ, प्लस में करना चाह रहा हूँ इन दोनों के दरमियान। देखिए 0+0 ये आपका जो है एंड रहेगा, सॉरी माफ़ करना, ये आपका और। अगर 0+0 अगर आप करेंगे तो आपको 0 ही बनेगा, 0+1 करें तब भी 1 रहेगा, 1+0 करेंगे तो 1 रहेगा, 1+1 1 रहेगा, यहाँ पर 2 जो है नहीं आएगा, क्योंकि ये हम जो है बाइनरी नंबर्स में है, क्योंकि बाइनरी मीन्स 0 और 1, इससे हटके तीसरी गुंजाइश नहीं आएगी, क्योंकि बाइनरी नंबर्स के अंदर कोई नेगेटिव नंबर नहीं रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, और साथ ही साथ इसमें कोई फ्रैक्शन नंबर भी नहीं आएगा। जो भी आपको बोलना रहेगा वो सिर्फ 0 और 1 दोनों के दरमियान आप कहना पड़ेगा। ये तो बेसिक पॉस्टुलेट्स 0 और 1 के दरमियान जो है एंड और हमने देखा। उसी तरह से हम देख लेते हैं कि नॉट किसे कहते हैं। देखिए नॉट का मसला कुछ और है, क्योंकि नॉट के पास सिर्फ एक ही इनपुट रहता है। अगर आप उसको 0 इनपुट दिए, उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिए, तो उसको आपको 1 आएगा। अगर 1 का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस है, ये रिवर्स प्रोसेस है, एकदम यू कैन यू समझे कि आप उल्टा है।
जीरो का उल्टा वन है, वन का उल्टा जीरो है, ये तो हो गया एंड और नॉट। अब आइए हम जो है बुलियन प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। बुलियन प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, बुलियन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंड फंक्शन हम देखेंगे। एंड जो फंक्शन है हमारा, उसके हम बेसिक प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। एंड फंक्शन एंड फंक्शन के जो प्रॉपर्टीज है, जैसा कि ये मेरे पास एक वेरिएबल एक्स है, वो एक्स को मैं जो है सो जीरो से इंटू करना चाह रहा हूँ, वही एक्स वेरिएबल को वन से करना चाह रहा हूँ, और फिर वही एक्स वेरिएबल को मैं जो है वन को जो है एक्स एक्स वेरिएबल से करना चाह रहा हूँ, और जीरो को एक्स वेरिएबल से मैं मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। देखते हैं कि चारों का आउटपुट क्या आएगा। देखिए एक्स जीरो से आप ऑब्वियसली जीरो से आप किसको भी मल्टीप्लाई करें आपको जीरो ही आएगा, पर एक्स इंटू वन आप करेंगे तो आपको जो है सो आउटपुट जो है सेम वेरिएबल एक्स ही आएगा। यहाँ पर भी वन इंटू एक्स का है या एक्स इंटू वन का है, आंसर तो आपको एक्स ही आएगा। और दूसरी जानब जीरो इंटू एक्स अगर आप करेंगे तो आंसर आपको जीरो ही आएगा। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज जो है एंड फंक्शन के हो गए। उसी तरह से हम फंक्शन और फंक्शन के भी हम देख लेंगे कि और फंक्शन, यानी अगर मेरे पास एक वेरिएबल और एक नंबर जो है वो जीरो का हो, जैसे कि ये अगर मैं जो है एक्स प्लस जीरो करो तो आंसर क्या आएगा, या जीरो जीरो प्लस एक्स करूँगा तो आंसर क्या आएगा, या फिर जो है वन प्लस एक्स करूँगा या फिर एक्स प्लस वन ही करूँगा। अगर मैं एक्स प्लस जीरो करूँगा तो आंसर मुझको एक्स आएगा, ठीक है सही है बात। जीरो प्लस एक्स करूँगा तब भी आंसर मुझको एक्स आएगा। अगर मैं वन प्लस एक्स करूँगा तो आंसर, यहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि आप याद रख लीजिए ये बात कि बाइनरी वेरिएबल, ये आपका बाइनरी वेरिएबल है और ये आपका वन है, तो कभी भी वन को आप बाइनरी वेरिएबल से ऐड नहीं कर सकते, ना ही बल्कि एक्स, चाहे कोई भी बाइनरी वेरिएबल ही क्यों ना हो, आप वन को अगर किसी बाइनरी वेरिएबल से ऐड करने जाएंगे तो उसका आंसर आपको जो है वन ही आएगा। ये बुलियन लॉस में से है। ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब हम जो बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जो कि एक अगर मेरे पास सपोज के अब मेरे पास दो बाइनरी वेरिएबल है, एक एक्स और एक एक्स बार, तो अब मैं दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूँ। कंबाइन यानी मैं दोनों वेरिएबल को एडिशन से कंबाइन करूँगा, मिलाऊँगा और मल्टीप्लिकेशन से मिलाकर देखूँगा। जैसा कि एक्स प्लस एक्स बार, एक्स इंटू एक्स बार, एक्स इंटू एक्स बार है ठीक है, या फिर एक्स इंटू एक्स है, या फिर एक्स बार इंटू एक्स बार है, या फिर आप समझे कि एक्स बार प्लस एक्स बार क्या होगा, या फिर एक्स प्लस एक्स क्या होगा। देखिए इतनी गुंजाइश हमारे पास नहीं करी, यानी एक दो सेम वेरिएबल को मैं जो है मल्टीप्लाई भी करके देखना चाह रहा हूँ और ऐड भी करके देखना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक्स प्लस एक्स बार जो होता है वो आपको आंसर जो है वो आपको वन देगा, ये बात याद रख लीजिए। ये बुलियन लॉस में से कि एक्स प्लस एक्स बार, क्योंकि ये सेम वेरिएबल को हम जो है विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट से हम ऐड करने जा रहे हैं तो इसका आंसर आपको जाहिर सी बात जो है वन आएगा, वो बुलियन लॉस में से है। अगर मल्टीप्लाई करने जाएंगे सेम वेरिएबल को विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, इसके उल्टे वाले के साथ, तो आपको आंसर जो है जीरो आएगा। अब रही बात एक्स इंटू एक्स, नॉर्मल जो आपका एलजिब्रा होता है एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक्स ही आपको आएगा। सिमिलरली एक्स बार इंटू एक्स बार ही रहेगा, भी यहाँ पर एक्स बार प्लस एक्स बार नॉर्मल एलजिब्रा में जो है सो आपको नॉर्मल जो अलजेब्रा है इसमें आप देखेंगे
के 2x होता है, पर ये 2x जो है गलत है, 2x नहीं आएगा बल्कि x बार इंटू x बार प्लस x बार जो है वो x बार ही होगा, उसी तरह से x प्लस x भी x होगा। तो अब आपने देखा कि हमने एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, उसका और पूरे केसेस हमने देखे। आइए हम चंद लॉ हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ किसे कहते हैं हम देख लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ एक्स इंटू वाई जो है वाई इंटू एक्स के बराबर होता है, उसी तरह से एक्स प्लस वाई जो है वाई प्लस एक्स के बराबर होता है, इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हैगा वो कुछ इस तरह से रहेगा आपको, यानी एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी सबसे पहले आप एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करो, फिर जेड से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई हुआ, फिर एक्स इंटू जेड एक्स जेड हुआ। इसका एक और भी हो सकता है, यानी अगर मेरे पास एक और केस है एक्स प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड जो है वो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड भी हो सकता है। जी हाँ, ये लॉ है, आपको याद रखना पड़ेगा, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड भी वो हो सकता है। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब एसोसिएटिव लॉ भी है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ जो वो एक्स इंटू वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू जेड, इसी को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब्सॉर्प्शन लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब्सॉर्प्शन लॉ, अब्सॉर्प्शन लॉ जो हैगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इस तरह से रहेगा, फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है एक्स प्लस एक्स वाई अगर रहेगा तो उसकी वैल्यू जो है एक्स ही आएगी। इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, आप जाए तो इस पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप इस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ये लॉ आप इधर अप्लाई कर लो, या फिर आप जो है एक्स अगर आप कॉमन कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई बचेगा, और वन प्लस वाई जो है हमने अभी पढ़ा है कि वो वन वन होगा, तो वन इंटू एक्स जो है आपको आंसर एक्स ही आएगा, जो कि हम सही किए हैं। तो ये हो गया आपका अब्जॉर्प्शन लॉ, यानी एक वेरिएबल यहाँ पर जो है अब्जॉर्ब हो जा रहा है। उसी तरह से एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ये भी जो है आपको एक्स ही होगा। जी हाँ, अगर आप उसको ब्रैकेट ओपन करें, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर तो एक्स ही होगा, एक्स वाई फिर एक्स अगर आप कॉमन लेंगे तो वन प्लस वाई बचेगा जो कि एक्स ही होगा, तो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई जो है एक्स ही रहेगा। नेक्स्ट जो है आपका अब्जॉर्प्शन लॉ, वो एक्स प्लस एक्स बार वाई जो है आपको एक्स प्लस वाई बचेगा, क्योंकि अगर आप सेम लॉ यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके ज़रिए आपको ये बन जाएगा, आपको ये आंसर आएगा। प्रूफ करके हम देख लेंगे इसे। यानी सबसे पहले क्या है, एक्स प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई, हाँ ये क्या होगा आपका वन होगा, अभी हमने बुलियन लॉस में देखा, और ये एक्स प्लस वाई जो है आपको बच जाएगा एज इट इज़, जो कि ऊपर मेंशन किया गया। और एक आखिरी जो है आपका लॉ जो बचा हुआ है वो जो है
एक्स इंटू एक्स बार प्लस वाई जो है एक्स वाई के बराबर रहेगा। वो किस तरह से, अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करें तो ये एक्स इंटू एक्स वाई बचेगा, फिर प्लस फिर एक्स इंटू वाई, और ये एक्स एक्स वाई एक्स एक्स बार जो है आपको ज़ीरो रहेगा, ज़ीरो प्लस एक्स वाई करेंगे तो आपको एक्स वाई ही आंसर आएगा। ये अब सारे आपको अब्जॉर्प्शन लॉस आपको हमने बता दिया है। अब जो आखिरी हमारा लॉ रहेगा उसे तो बेशुमार लॉस है, जो इम्पोर्टेंट लॉस है हम मैंने आपके सामने पेश किया। अब जो हमारा आखिरी लॉ रहेगा वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट। हम आगे इसके ऊपर बेशुमार क्लासेस देखेंगे कि डी मॉर्गन्स लॉ आखिर है क्या, क्योंकि कई सारे थ्योरीज और लॉस और सर्किट डायग्राम्स हमको इसी से ट्राई करना पड़ेगा। तो इसका कहना का मंशा ये है कि अगर आप एक्स प्लस बाई वाई एक्स प्लस वाई होल बार अगर हम करेंगे तो वह एक्स बार और वाई बार होगा, और इसी तरह से अगर एक्स वाई बार करेंगे तो वो एक्स बार प्लस वाई बार होगा। जी हाँ, यानी अगर आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट है, अगर आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट है और होल कॉम्प्लीमेंट है तो ब्रैकेट के अंदर देखा जाएगा कि साइन क्या है। अगर वो साइन प्लस है तो वो इनटू में तब्दील हो जाएगी, यानी प्लस है तो इनटू में तब्दील हो जाएगी। नहीं, अगर आपके पास होल कॉम्प्लीमेंट है पर साइन बीच में जो है सो इनटू की है तो वो इनटू जो है प्लस में तब्दील हो जाएगा, और अब जो है सो कॉम्प्लीमेंट अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स के ऊपर आप कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस यही फंक्शन जो है डी मॉर्गन्स लॉ का है। तो अभी आपने पूरा कंप्लीट जो है बिलियन लॉस, बिलियन प्रॉपर्टीज, बिलियन फंक्शंस आपने देखा। बाइनरी नंबर किसे कहते हैं, बाइनरी वेरिएबल किसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बेस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके देखना ना भूलिए। अल्लाह आपकी हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।